हम जो पढ़ाई करने आए हैं वो है कंप्यूटर कोर्स। क्या है? कंप्यूटर कोर्स। तो सोचिए कि कंप्यूटर कोर्स के अंदर अगर आपको कुछ बेहतर जीवन यापन को जीने का भी ज्ञान दिया जाए तो ये बहुत बेहतर बात है। सिर्फ अगर विद्या हासिल करिएगा तो वही हो जाइएगा लिटिल नॉलेज, क्योंकि आपने सिर्फ ज्ञान हासिल किया। ज्ञान हासिल करने के बाद ज्ञान को चलाने भी तो आना चाहिए कि ज्ञान का खर्च कहाँ किया जाए। जैसे एक इंसान धन कमाता है, क्या कमाता है? धन। तो सोचिए कि वो इतना धन कमाए और उसे धन का खर्च करने का ढंग मालूम ना हो कि आखिर धन कमाने के बाद खर्च कहाँ किया जाए। धन कमाना अगर बड़ा चीज़ होता तो सब लोग धन ही कमाते, खूब धन कमाते। आपने धन खूब कमाया और खर्च करने का जगह मालूम नहीं कि वो अच्छी जगह या बुरी जगह। धन कमाया शराब में लुटाया, धन कमाया आप घूमने चले गए, यानी पूरी ज़िंदगी धन का यूज़ मिसयूज़ के रूप में आपने किया तो बेकार हो गई ना। ठीक इसी प्रकार विद्या का भी मिसयूज़ होता है। कैसे होता है, आइए आपको इस बारे को वर्णन किया जाए। जैसे बच्चे 10 साल एक क्लास से लेकर 10वां तक पढ़ते तो 10 साल हो गई ना। 10 साल के बाद फिर वो इंटर करते तो 2 साल हो गए ना, तो 12 साल हो गए। फिर बीए करते तो 3 साल ले लेते हैं, तो यानी कुल मिला के 15 साल उन्होंने धन विद्या को हासिल किया ना भाई। और सोचिए 15 साल हासिल करने के बाद भी बीए बैल ही रहते लोग, करके बैठे रहते, ज़िंदगी गुजार रहे, कोई सक्सेस नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं? तो भैया अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं। तो देखिए कि इतना ज्ञान हासिल किया 15 साल, अब 15 साल में भी आपने धन का एक रुपया का भी अफसोसित का रास्ता नहीं ढूंढा, तो उससे बेहतर जीवन क्या है जो बेकार हो गई। आप मैट्रिक पढ़ के ही अगर आप कोई हुनर सीख जाते तो 5 साल के करियर में एक टैलेंटेड इंसान तो हो जाते। 5 साल के अंदर आप एक टैलेंटेड इंसान हो जाते। अगर आप विद्या को हासिल करना चाह रहे थे तो ऐसा पढ़ते कि ताकि वो विद्या आपको फल दे सके। हमने पेड़ लगाया, हमने एक पेड़ लगा दी और पेड़ बहुत मेहनत से लगाई और तकरीबन वो 10 साल उसकी परिश्रम किया हमने पेड़ लगाने में, खाद दी, बीज दी, खर्च हुई ना, और लास्ट में पेड़ वो बंजर निकल जाए, पेड़ से फल ना आए तो कितना अफसोस होता है, होता है ना। पेड़ लगाने के दरमियान अफसोस नहीं हुआ? पेड़ लगाने में तो आदमी मेहनत करके लगाया, सुबह उठा, पानी क्यारी में दिया, खेत जो पेड़ की परवरिश है खूब मेहनत से, जो खर्च हुआ अखड़ता नहीं है। अब लास्ट में जब पेड़ की जब लास्ट ग्रोथ हो गई, अब जब उम्मीद हुआ कि अब मेरे पास पैसा नहीं तो वो मुझे पेड़ फल दे मैं खाऊं, उस दरमियान अगर पेड़ से फल ना आए तो उस पेड़ वाले मालिक को बड़ा अफसोस होता है उस मेहनत का। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में आपके माता पिता ने भी आपके रूप में पेड़ लगाया, आपके रूप में, पेड़ के रूप में। सोचिए कि पेड़ के रूप में माँ बाप भी आपको सींच रहा है। माँ बाप ने आपको ज्ञान के लिए 10 साल भेजा, माँ बाप तो खूब खुश है कि हमारा बच्चा पेड़ के रूप में सिंचा रहा है, पेड़ के रूप में। अब उम्मीद हुआ कि बच्चा जब पढ़ लेता है तो पढ़ के वो कहीं सेटलमेंट होता है तो उससे धन का रास्ता ही फल है ना, ताकि वो जो पैसा धन कमाए, अब माँ बाप को वो ज्ञान के रूप में पैसा मिले। आप सोचिए कि आप तो पढ़ने गए, पढ़ाने के दरमियान में आप क्लास में बैठे, माँ बाप समय से पैसा दे रहे हैं, आप भी समय से क्लास जा रहे हैं, इनका पैसा जा रहा है, आप भी समय दे रहे हैं, दोनों ने खर्च किया, उन्होंने पैसा खर्च किया, आपने समय खर्च किया। अगर उनका पैसा हक का होगा तो आपका ज्ञान भी हक का होगा, अगर पैसा इधर से गलत आया तो आपका विद्या भी रास्ते से भटक गया, बैठे ज्ञान को हासिल करने के लिए दिल कहीं और लग गई। अगर बैठना आसान होता तो बैठ के हमें मिल जाता तब ना बेहतर। धन तो कमाया था हमने, और धन को कमा के अगर हम बचा लेते, स्टॉक कर लेते, तब ना हम धन के मालिक, फिर ज़रूरत पड़ने पे धन का हम कुछ यूज़ कर सकते थे।
कमा लेना अगर बड़ा होता तो सब लोग इस संसार में कामयाब होते। कामयाब वही है जो संसार में धन को कमाकर बचाकर उसका सही जगह यूज़ करता है। विद्या भी ठीक इसी प्रारूप को कहते हैं कि आपने जितनी क्लासों का ज्ञान हासिल किया, अगर इतनी क्लासों का ज्ञान हासिल करके आप बेहतर रहते तो स्वाभाविक सी बात है कि आप भी उस ज्ञान का कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते थे। लेकिन आपने ज्ञान पढ़ने के लिए गए क्लास में, और टीचर भी बहुत खुश नसीब होता है वैसे बच्चों से कि वैसा बच्चा अगर क्लास में आए जो बैठे और दिन का मज़ा ले और टीचर भी अपने क्लास अपने कोर्स को बेहतर से पढ़ा सके, टीचर भी खुश बच्चे भी खुश कि हमारे प्रिय टीचर हमें क्लास में डांटते भी नहीं है ना, क्यों डांटेंगे, डांटेंगे तो उन्हीं का लॉस है। प्रेम से कहते आइए बेटा बैठिए, बच्चे भी खुश कि मेरे सर कितने आदरणीय हैं। आदरणीय अगर होगा, जिस शब्द में आदरणीय छिप गई तो मसला फंस गई। कामयाब बनाने वाले को आदरणीय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कामयाब बनाने वाले की ज़बान से हमेशा कड़वी बात निकलती है ना। नीम अगर आपको फ़ायदा देता है तो कड़वी होगी, वो मीठा हो नहीं सकता। जहाँ रस टपकी हो तो मसला फंसता है, क्योंकि उनको लोभ है धरातल पे। क्योंकि अगर आप पे सख्त करेंगे तो आप भी कालर पकड़ सकते हैं ना। डर इस चीज़ का भी एक टीचर को होता है। पर लोभन बहुत बड़ी चीज़ है, और लोगों के अंदर सबसे बुरी लालचन जो अब पैदा हो रही है तारीफ की, जिसकी वजह से विद्या छीन हो रही है। तारीफ की वजह से विद्या क्या हो रही है, छीन हो। बच्चा हल्का ज्ञानी होता उसको प्रलोभन इतनी मार दी जाती कि वो चार चांद लगा देता अपने ज्ञान को, सोचता कि क्लास का अव्वल दर्जा हो गया, वहीं से उसकी ज्ञान छीन होने लगती है। वजह है ज्ञान को छिपाने की चीज़। मैं भी तालबे इल्म हूँ, यानी मेरी भी ज्ञान हासिल करने का समय है, मैं भी ज्ञान हासिल कर रहा हूँ। इस संसार में कोई महान है ही नहीं। क्यों महान नहीं, क्योंकि ज्ञान ख़त्म ही नहीं होता, हमेशा अपडेट होता रहता है। मैं जितना जानता हूँ उतने के लायक मेरे पास ज्ञान है, शायद मुझसे भी बेहतर कोई और जानकार भी तो है सृष्टि में। अव्वल दर्जा किसी टीचर के पास कोई गुण नहीं है, मेरी जबान में कुदरत ने वो ताशीर दी। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जबान से आप मेरे शागिर्द, मेरे कुछ बच्चे विद्यार्थी मेरे क्लास में बैठते हैं, और मेरी जबान से जो शब्द निकलती वो आपको प्रेरित कर सके। तो 1000 के कैंडिडेटों के मालिक तो हम नहीं है, लेकिन नॉर्मल जिस कैंडिडेट के मालिक हम 1000 से भी बेहतर ग्रुप बना के कामयाब बना सके, ताकि आपका जीवन चक्र बेहतर चल सके। आप सोचिए कि आप पढ़ने अभी आए क्लास में बैठे, बहुत खुश होते कि अगर मैं आपको प्यार से प्रेरित करता, वाह वाह कितने टॉपर स्टूडेंट है क्लास के, तो आपके अंदर तो वही टॉपर की गुण आ जाती, घमंड अहंकार आ जाता। जब अहंकार आता है तो ज्ञान तो आपका ऐसे विचलन होता, क्योंकि अहंकार ने हमेशा बर्बादी का रास्ता दिखाया, और नर्म स्वभाव हमेशा कामयाबी का। क्योंकि कमाना क्या है भाई, धन ना। अगर एक कामयाब चीज़ को बोला जाए, जैसे आप सोचिए कि अगर कोई भूमि फलदार वाली जगह हो, क्या हो, भूमि होती है ना फलदार वाली जगह हो, उसके अंदर अगर कोई बीज रख दी जाए तो जमीन की वजह से वो बीज से पौधा खुद बाहर निकल जाता है, क्या होता है, निकल जाता है। अगर बंजर जगह पे वो बीज, अच्छी बीज भी रख दी जाए तो पौधा नहीं निकले, क्योंकि बंजर की वजह से बीज का वैल्यू खराब हो गया। तो आपका जीवन चक्र है, कामयाब बनाने का समय काल है, आयु की वृद्धि हो रही है, वृद्धि में कमी नहीं, क्योंकि उम्र बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, और कामयाबी आ नहीं रही है। तो हमारा क्लास में ये मकसद है कहने का कि अगर हमें विद्या में दिल नहीं लगता है तो विद्या को हम वहीं पोस्टपोन्ड कर दे। मुझे आपके पैसे का धन और लोभ नहीं है,
अगर विद्या में रुचि हो तो इस कदर प्रेरित हो ताकि मैं वहां से पार कर जाऊं, निकाल लूं। विद्या में अगर मजा नहीं आ रही हो तो मैं वहीं त्याग के कुछ न कुछ सृष्टि का हुनर सीख लूं, ताकि देशभक्ति नहीं चाहिए, समाज किसी के हित में होता ही नहीं है। आप सोचते हैं कि अगर मैं राजपूत का बच्चा हूं, अगर मैं काम करने जाऊंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं खान का बच्चा हूं, मैं काम करने जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, आप सोचते हैं। इसीलिए हम आप फॉरवर्ड के बच्चे बर्बाद हैं और बैकवर्ड के बच्चे कामयाब हैं। आप सोचिए कि आप ही अपने घर में एक प्लम्बर मिस्त्री को मंगवाते, अगर उनसे उनका जात पूछा जाए तो पता चलेगा बैकवर्ड हैं और आपके घर से धन लेकर जा रहे हैं, और आपके बच्चे से पूछा जाए तो अभी बाप के पास पला रहे हैं, 35 साल का बच्चा हो गया, बाप के धन पे अफसोसित है, उन्हीं का पैसा चूस रहे हैं और उनका पैसा धन उड़ा रहे हैं। नॉर्मल फैमिली का बच्चा 20 साल का होता है, रास्ता पैसा कमाने का रास्ता बना लेता है, वो भी आपके घर में यानी फॉरवर्ड के घर में बैकवर्ड का बच्चा आता है तो उस अदब से पूछते, भैया ये काम होगा कैसे कर दीजिएगा, वो राय देता है तो हम उनसे काम करवाते हैं। बताओ कि उस जगह पे वो भी तो ज्ञानी है, वो भी तो एक प्रकार का इंजीनियर है जो आपके घर में कल नल को अच्छे से लगा दे। अगर वो नल लगाने नहीं आता तो आपके घर में पानी भी तो नहीं आता। अगर वायरिंग नहीं करता तो आप सोच के देखिए, अचानक रात के दरमियान आपकी बिजली गुम हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उनको कितने आदरणीय से पुकारना पड़ता, भैया हमारे घर का बिजली ख़राब हो गया है, कृपया करके आप जल्दी आ जाइएगा ताकि हमारे घर में लाइन, कितने आदर से पुकारा गया वो बैकवर्ड के बच्चों को। उसे लज्जा नहीं लगी थी काम सीखने में, आज सीख गया तो भैया हो गया, सर ऐसे कर दीजिए ना ऐसे, यानी उसने भी ज्ञान हासिल किया आपकी तरह। आपने जो ज्ञान हासिल किया वो विद्या दिमाग पे जोड़ देती है, उसने जो हासिल किया वो कला है, तो दोनों तो ज्ञान ही ना है, प्रारूप चेंज हो गई। हम शर्ट पहने या खान ड्रेस पहने बदन को ढांकने का काम कर रहा है ना जिस्म, बोलो यार yes। हमने टी शर्ट पहना वो भी जिस्म ढांकता है, हमने कोट पहना वो भी जिस्म ढांकता है। दर्जा बड़ा हो गया, कोट खरीदा तो थोड़ा कॉस्टली हो गया, टी शर्ट खरीदा तो थोड़ा नॉर्मल हो गया, शर्ट खरीदा थोड़ा उससे कॉस्टली हो गया। उसी प्रकार आप में धन की बात आई ना, ठीक इसी प्रकार कोई काम प्लम्बर का करता उसका धन अपने रूप में है, इलेक्ट्रिक काम सीखा उसका धन अपने रूप में, यानी इससे पता चला ज्ञान भी हासिल करके धन ही कमाना है और हुनर भी सीख कर धन ही कमाना है। दोनों की वजन अपनी जगह पे बेहतर है। आप ज्ञान हासिल करके चोर बनेंगे तो आप भी तो कहेंगे कि ये कर्मचारी चोर है, तो प्रशासन तो चोरों को तो प्रशासन कहीं भी ले जाता है ना। आप ब्लॉक में बन गए घूसखोरी करेंगे तो ये भी तो चोरी है धन की। आप किसी के यहाँ काम करने गए, काम करना था इधर धन ध्रुव इलेक्ट्रिक काम और ऋण ध्रुव और जोड़ दिया धन ध्रुव में, कर दिया घर में शॉर्ट सर्किट, तो पैसा तो देने ना पड़ेगा। तो रेत तो वहाँ भी आपके साथ हुआ, कर्मचारी के साथ भी तो रेते हुआ जो घूस मांगा। आप भी हक पे रहिए ज्ञान हासिल कर, और आप जब हुनर सीखिए तो टू टाइट सीखिए, टू टाइट में आपको आदर मिलेगी। लिटिल नॉलेज हर जगह बर्बादी है, लिटिल नॉलेज हर जगह और टू टाइट हर जगह आबादी है। अगर मैं 10वां तक ही पढ़ा, मैंने आगे विद्या हासिल करने की ख्वाब ना सजाई, मैंने 10वां तक इस कदर पढ़ा कि मैं मैथ का भूत मिर्गी उड़ा देता था, हर पाठ से पाठ उड़ा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। बेहतर अगर 10वां में मैथ हासिल करता तो वो नॉर्मल अपने संस्था खोल सकता था, अपने से बच्चों को पढ़ा सकता था। ज्ञान ही ना बताना है, और ज्ञान बताने के लिए ज्ञान की तासीर का होना ज़रूरी है। आप मेरे शागिर्द मेरे क्लास में बैठे हैं, मैं भी तो एक मामूली तबके का टीचर हूँ, छोटे पैमाने का, जो मेरी ज़बान से मेरे पास ऑडियंस है। आप मेरे यहाँ मेरे चेहरे को देखने नहीं आते हैं, मेरे क्लासरूम को देखने नहीं आते हैं,
मुझसे जो लेने आते, जो मेरी ताकत है जो आपको दे सके, तब ना आप मेरे यहाँ ठहरे हैं, है या नहीं? मेरी जबान से आप समझ पाते हैं। तो समझाना भी एक कला है, समझाना भी तो एक कला है, ताकि समझ आ जाए। और हम क्लास में खूब मार्गदर्शन दे और समझ ही ना आए तो ठहरिएगा। तो इसीलिए आप लोग अभी से प्रेरित हो जाइए, जागरूकता लाइए, क्योंकि आयु जिस निष्पाद पे चल रही है वो बहुत डेंजर मोशन है आप लोगों के साथ गति, क्योंकि अभी आपकी आयु ग्रोथ हो रही है। दिल को लगाइए ऐसी जहाँ जहाँ से धन का रास्ता हो, दिल ऐसी जगह ना लगाइए जहाँ से बर्बादी का रास्ता हो। चूज दिस ऑप्शन। भगवान ने हृदय दी, दिल में दो चीज़ दे दी, एक अच्छी और एक बुरी, जिसको पॉजिटिव और निगेटिव कहते हैं। हमारी जबान में अच्छाई और शैतान की भाषा कहा जाता है। कहा गया शैतान हर अच्छे कामों में विफल के लिए शैतान भी रहता है। अब भगवान के पास भी इतनी बड़ी ताकत है कि वो भी कहता मैं भी रहूँगा, शैतान भी रहेगा। कुछ अच्छा काम करने जाओगे, दिल बोलेगा कर, शैतान बोलेगा मत कर। शैतान तो खुला दुश्मन है, शायद आप लोग समझते हैं शैतान हर काम के लिए शैतान होता है। जैसे आप शुभ काम करने जा रहे हो तो शैतान बोलेगा अभी थोड़ा ठहर जा। तो इसी पर तो शायर ने ठीक ही कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्योंकि शैतान कल रोक दे, कल आप शुभ कार्य करने जाए कहीं धोखा धाकी से कुछ मसला फंस जाए तो शुभ काम रुक ना गया, रुका या नहीं रुका। तो कल के चक्कर में मत पड़िए, आज के चक्कर में पड़िए। अगर आज के चक्कर में तो अभी करें फास्ट इन फास्ट, नो अबाउट द संबंध। क्योंकि प्रेरित करने के लिए तो बड़े बड़े बैठे हुए यार, अब बड़े बड़े बैठे कोई प्रेरित नहीं कर सकता। अगर जिसने प्रेरित करना था वो श्री कृष्ण चले गए, उनकी शब्द को कोई मार्गदर्शन देता है बस। और अगर हमारी जबान में कहा जाए तो हमारे पास भी कुछ ऐसे प्रेरित करने वाले लोग हैं जिनकी प्रारूप अगर भक्ति की जाए हमारी जबान में। आपकी जबान में तो श्री कृष्ण आ गए, राम जी आ गए, लेकिन हमारी जबान में अगर बात की जाए तो हमारे पास भी कुछ ऐसे जिनकी भक्ति से शायद हमारे चेहरे पे भी चमक आएगी। अब कुदरत मुझे हर कुछ देगा, वो मेरे पास भी कुछ ऐसी ताकतें हैं। आपकी जबान में कृष्ण का नाम आता है, राम जी का नाम आता है, अगर मेरी जबान में कहा जाए तो पूरी दुनिया में उन्हीं का नाम ही नाम है, जिनका नाम आप लोग भी सुन लीजिए। क्योंकि आप भी नाम सुनना ज़रूरी, क्योंकि ज्ञान का केंद्र है। किस चीज़ का केंद्र है? ज्ञान का। और ज्ञान में तो कोई बात छिपाने की नहीं होती है, ज्ञान में छिपाने की बातें होती हैं। आपने जैसे एक शब्द लिखा पैसा, तो पैसा तो पूरे वर्ल्ड के लिए हो गए, किसी के लिए रुकावट है? अमेरिका वाला मतभेद करेगा कि आपने पैसा क्यों कहा। अरे पैसा ना कहकर डॉलर कहा तो जबान तो धन ही से ना है, बात समझ आई? तो हमारे पास भी कुछ ऐसे धरोहर शक्ति है जिसका नाम है मौला अली। क्या नाम है? मौला अली। अली का जिक्र इबादत है। मौला हसन, मौला हुसैन, इनका जिक्र भी इबादत है हमारे तबके से, हमारे मुस्लिम समुदायों को लोगों से। यहाँ तक तो बात समझ आ गई, जिक्र इबादत है। ये बात हम तो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं भाई, तो इस पे दीन की बात तो हम वर्णन करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सृष्टि में रहना है तो सीखना होगा, जीवन यापन करना है तो बेहतर बनना होगा। क्योंकि अगर बेहतर नहीं बने तो जिंदगी भर बैल ही बन के रह जाइए। बैल का काम है बोझा ढोना, बैल बनिएगा तो बैल की चमक आएगी। घोड़े का खाब सजाइएगा तो मालिक भी आदर देगा। मालिक का मतलब होता है बीबी, मालिक का मतलब होता है बीबी। वजह यह है कि अगर आप नॉर्मल रहिएगा तो बीबी सर पे चढ़ेगी। पहले वाला बात अब नहीं रहा, आप अगर ब्रांड रहेंगे तब बीबी आपके नीचे ही रहेगी। क्योंकि सीखना है इस कुटिए में आकर, आप पढ़ के जाइएगा तो आपके पिता समझाएंगे। पहले क्यों कहा जाता था कि गुरुजनों के पास वो ताकत होती थी, वो सृष्टि के बारे में भी समझाता था और दुनियादारी भी समझाता था, वो भक्ति प्रारूप थी। आज कौन शिक्षक आपको जीवन यापन के बारे में समझाने की ताकत रखता है?
सिर्फ आइए क्लास का स्टेप लीजिए, पढ़िए और घर जाइए, यही तो हो रहा है, जिसकी वजह से गुंडागर्दी चालू हो गई। बच्चों में प्रेरित करने की तो बात ही नहीं लाई गई कि बच्चा प्रेरित कैसे हो। आज बैच में लड़की बैठ जाए, लड़का बैठ जाए तो इश्कबाजी हो जाती है। वजह क्या है कि प्रेरित नहीं हुई। प्रेरित इस कदर कीजिए कि बोथ आर सेम, दोनों घर में भी तो बहन रहती है, तो आप कैसे क्रेडिट कर पाइएगा। वजह यह है कि माहौल नहीं मिल रही है, घर में बैठे हैं, बहन घर में है, बात बहन से करते नहीं हैं, तो इंसान का चरित्र कैसे समझ आइएगा। चरित्र तो माँ से सीखता है ना, जो माँ के पास है वो बहन के पास है, जो बहन के पास है वो दोस्त के पास है। तो वर्णन समझने के लिए पहले चरित्र को समझना होगा ना। पहले के लोग कहते थे कि माँ के छत्र में रहना से ज्ञान आती है। क्यों आती है? कि दुनियादारी सिखाती है माँ, औरतों का रहन सहन माँ के पास बैठने से ना समझ आएगी। जब समझ आएगी तो वही प्रक्रिया ना दूसरे के सामने भी की जाएगी। बात करने से अगर बिगड़ जाता मसला तो लोग बात ही नहीं करता। माँ के पास बैठते तो माँ के पास तुम्हारा लत लक्षण समझ आता, माँ तुम्हें सिखाती, तब ना किसी के पास बैठ के जीवन यापन करोगे, बात कर पाओगे। कभी तो औरतों के पास बैठा ही नहीं, तो औरतों का माहौल तो समझा ही नहीं, डायरेक्ट हुंकार की निगाह से देखा। बैठते तब तुम समझते उसकी जीवन चक्र, तब ऐसी घटना ही ना घटती। आज से 15 साल पहले ऐसी प्रक्रिया कहाँ थी? 15 हटा दो तो 15 से पहले 20 पकड़ लो। 20 साल पहले भी तो जीवन यापन होता था, 5 साल की बच्ची और 5 साल का लड़का एक साथ खेत में खेल रहा था, खेलता था, हम लोग भी खेलते थे खूब। पड़ोसी की बच्चियाँ रहती थी तो बहन समझ के खेल रहे, मज़ा हो रहा, मारपीट भी हो रही, कोई दिलों में शक शुबा नहीं रहता था। अब शक शुबा क्यों पैदा हो गई? शक शुबा अब आ गई 20 साल में कि पड़ोसी की बच्ची को भी लोग नहीं देखता है। पहले पड़ोसी की बच्ची ना खेत में खेल रही थी हम लोगों के साथ, जीवन चक्र में चल रहे थे ना, खेत में खेलते थे, मार करते थे, शक्तिमान उसी के घर में जाके देखते थे, मार भी हो गई, अशक्तिमान भी उसी के घर में जाके देखा जा रहा। वाह वाह क्या जिंदगी का चक्र था। 10 बजे भी खेली गई, शाम में भी खेली गई। अब चहल कदमी देखिए, समाज का कितना खूबसूरत वातावरण था। सूरज तो आज भी पूरब से निकल रही है, वही वक्त पे निकल रही है, वही वक्त पे डूब रही। लोग कहते कि हम बदल गए। अरे तुम बदलते तो भगवान सूरज को बदलवा देता, तब ना बदलते। सूरज तो आज भी वही वक्त से निकल रही है और वही वक्त पे डूब रही है, उसी तरफ से निकलती है और उसी तरफ से डूबती है। तुमने अपना निगेटिव थॉट रख दिया। तुम अगर परवरिश ढंग से देते, सामने वाला भी परवरिश ढंग से देता, तो ये वातावरण खराब ही ना होता। तो कहते हैं कि मोबाइल का दोष है, पैदा होके बच्चे ने मोबाइल पकड़ा था। अगर बच्चा किसी घर में पैदा हुआ तो मोबाइल बच्चे ने पकड़ा, बच्चे ने नहीं पकड़ा, तुम्हारी मैडम ने पकड़वाया। वजह यह है कि वो बचना चाहती है आजकल अपने बच्चों से। बच्चा रो रहा था तो माँ ने सोचा मैं चुप कराऊँ तो मेरा वक्त ज़ाया हो, खामोश अच्छा है कि मोबाइल उसे रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो चस्का तुमने लगाया, बच्चे को क्या मालूम था मोबाइल किस चीज़ का नाम है। तुमने उसे धराया मोबाइल तो उसे मोबाइल समझ आई, तुमने लगाया कार्टून तो उसने उसकी ज़बान को समझा बेहतर, तब उसे उससे प्रेम हो गई, बच्चे को उस मोबाइल से प्रेम लत हो गई। तो बच्चा खाना के भी दरमियान में बोलते मैं नहीं खाऊंगा, तो माँ बोलती रुक जा तेरा दर्द मैं समझ गई हूँ, ला के देती है मोबाइल, अब कहती खा ले मेरे बेटा। बेटा कहता अब सामने तो मोबाइल आ गई, अब तो खाना ही पड़ेगा, है या नहीं यार? मैं मजाक नहीं कर रहा, जो दुनियादारी है मैंने जो देखा, मेरे पास भगवान ने इतनी समझ दे रही है कि मेरे पास YouTube जैसा एक संसाधन माध्यम मिला जो मैं भी अपने दिल की वर्णन को पेश कर सकूं। नहीं तो सृष्टि क्या है, पहले आपकी ज्ञान ऋषि मुनियों की ज्ञान तो राज रह गई ना यार, विद्या किताबों में छिप गई और किसी ने इस किताब को खोलने की कोशिश ही ना की। तो मैं तालबे इल्म की वजह से मैं भी किताब को खोल रहा हूँ, खंगाल रहा हूँ। एक से एक किताब ऐसी दुनिया में है, सब किताब तो YouTube पे आ गई। जो किताब सर्च करना है सर्च कीजिए, उसकी वर्णन को पढ़िए,
तो विद्या हासिल करिएगा तब ना समझ आएगी, किसी से बात कर जाइए। अब दिन को दिन कहा जाए, रात को रात, अब किसी की बपौती नहीं चलने वाली है। जिसने कहा कि ऐसा होता है ऐसा होता नहीं, किताब जो बोलेगा वैसा। किताब में भी सच किताब को ढूंढना है। जैसे एक लिटिल मिसाल मैं देना चाहता हूँ, आसान मिसाल। आप मेरे बेहतर शागिर्द हैं, बेहतर से मेरी बात और मेरी कथन को समझ पाइएगा। मैंने कहा कि मुझे बुखार है, आपके उस्ताद को कोई आपत्ति? तो मैंने कहा मेरे शागिर्द मुझे बुखार है, जाओ दवा लाने। तो मेरे एक शागिर्द गए अपने चाहने वाले डॉक्टर के यहाँ। बात समझिए, मैंने एक बीमारी कहा था ना यार, बुखार है, और एनी हाउ मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे एक शागिर्द गए अपने डॉक्टर के यहाँ, जिनके यहाँ इनकी करीबी है। उन्होंने कहा कि भाई एक 35 साल के आयु के एक इंसान है, उनको बुखार है, उनका दवा दीजिए। वो डॉक्टर ने अपने मर्जी अपने तर्क से उन्होंने उस उम्र के हिसाब से दवा दिया। मेरे दूसरे शागिर्द गए दूसरे डॉक्टर के यहाँ मेरी चाहत में, तो उन्होंने भी कहा कि एक 35 साल के आयु के व्यक्ति है, उनका दवा लेना है, ऐसे ऐसे बीमारी कुछ नहीं, दवा दिया। तीसरे ने भी यही प्रक्रिया किया, चौथे ने भी यही प्रक्रिया किया, पांचवें ने भी यही प्रक्रिया किया। बीमारी एक, आयु एक, सबने कहा, डॉक्टर सबके अलग अलग। तकरीबन 10 बच्चे 10 डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और एक बीमारी की 10 जगह से दवा कलेक्ट करके ला के जब एकत्रित करते हैं, तो जब देखा गया बीमारी एक, आयु एक, दवा सबका अलग अलग, दवा सबका अलग अलग। इससे साबित हुई कि भगवान श्री कृष्ण हो या राम हो या मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, उनके ज़माने में भी अगर कोई ज़िक्र हुआ होगा तो सुनने वाले 10, उनके सुनने वाले भी 10, दसों ने अपनी अपनी ज़बानों में अपनी अपनी विचारधाराओं में किताब लिखी होगी। दवा एक थी, बुखार एक न था, लेकिन आपने दवा लाया तो आपका दवा अलग। सब में सेम दवा होता तब ना मुझे भरोसा होता, सबकी दवा अलग अलग थी। अब मेरा दिल जिस पे भरेगा मैं उन्हीं के हाथ का दवा खाऊंगा ना। दवा तो दसों ने ना लाया, लाया या नहीं लाया? दसों की दवा अगर सेम होती तो किसी का भी बिना बोले खा लेते। मैंने जब दसों का दवा देखा तो दसों के दवा में 10 किस्म की, किसी ने एक दवा में 5 क्वालिटी मिला के दिया, किसी ने 4 क्वालिटी मिलाया, मिलाया या नहीं मिलाया, खाली बुखार थी ना, किसी ने डायलोना दे दिया, किसी ने नाइस दे दिया, किसी ने सोमो दे दिया। प्रारूप नाम तो अलग हो गई, तरीका तो अलग हो गई, सेटलमेंट अलग हो गई, किसी ने बीकोसुल मिला के दे दिया, किसी ने पारासीटामोल मिला के दे दिया। बात समझ आई या नहीं आई? अब मैं अभी उसमें चेहरा ढूंढूंगा कि मेरा चेहरा किस बच्चों का बेहतर है। मैंने देखा कि इनके हाथों का दवा बेहतर होगा, क्योंकि जो मैं डॉक्टर का चलाता शायद उन्होंने भी वही डॉक्टर का चलाया। मेरा दिल जहां भरा मैंने उनकी दवा को ग्रहण कर ली। यही है प्रारूप। किताबें तो छप गई, हर लोगों की अलग अलग, हर लोगों का नाम से किताब छपी, लेकिन उसमें भी ढूंढना कि बेहतर कौन है जिसकी ज्ञान को हम ले सकें। बात समझ आ रही है? तो पढ़ना बड़ा चीज़ नहीं है बाबू, अगर पढ़ता सब तो सब रावण जैसा भी बनता। रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था। देखिए इतने तो मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं किसी के बारे में इतनी बड़ी बातें कहूं, लेकिन जो दुनियादारी सुनी हुई बात है वही आप भी जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था जो श्री शंकर जी का भक्त था। ये तो सच्चाई है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। सारे लोगों ने सुनाया, वही हम लोगों ने भी सुना। आगे सुना कि सीता माँ को हरण करके ले जाता, ये भी सुना। अब बताइए ज्ञानी ने ये काम करके अच्छा किया? आप ज्ञानी बने और सर के यहाँ से सर का मोबाइल चोरी करके ले जाए, तो बताइए ये भक्ति हुई? ये तो सरासर नाइंसाफी ना है। तो चोरी भी तो बेकार है, चोरी बेकार हुई या नहीं हुई? तो ऐसा ज्ञान ले के किस काम का जिसे ठेस पहुँचाई गई और जिसे जन देखिए रावण और राम जी में विद्रोह हुआ, तो भाई आबादी मरी कि नहीं मरी? युद्ध में तो मरी होगी ना, तो लोगों का मारना भी तो बेकार है ना। आप बलशाली बन जाइए और बलशाली में छीन हीन कर दीजिए तो बेकार है ना। तो यही हुई। ऐसा ज्ञान किस काम का जिस ज्ञान में अहंकार आ जाए और देश बर्बाद भी हो जाए। लंका ढहन हो गई, बर्बादी आई कि नहीं आई? अब इतना कम भी ज्ञान नहीं होना चाहिए जिससे आप बेवकूफ़ बन जाए या कोई आप ही को लूट के ले जाए।
न इतना ज्यादा न अति न लघु, बीच का ही सही है, है ना। अति भी बहुत जानकर, रावण के साथ अति हो गई, रावण के साथ अति हो गई, और आपने किताब की भाषा में पढ़ा था लाल बुझक्कर, नहीं पढ़ा था छोड़िए, वहाँ से बहुत पुरानी कहानी है, हम लोग बालपन में पढ़े थे, अब ये वर्णन को करेंगे तो फिर प्रोफेशनल। चलिए आप लोगों का राय सुन लीजिए। लाल बुझक्कर नाम का गांव में एक बुद्धिमान रहता था, बुद्धिमान मत बोलिए, जैसे कैसे होते हैं किसी गांव में कुछ लोगों की आवाम है, आबादी है, उसमें किसी लोगों को लोग समझते ना बहुत काबिल है, ऐसा हो हर गांव में होता है। कोई ऐसा गांव उठा के देखिए, आप जिस कस्बे में रहते हो तो आप भी किसी कस्बे में किसी व्यक्ति घराने को आप कहते ना कि फलाने आदमी बहुत अच्छे पोस्ट पे है, वो अक्सर जाहिल हो उससे बहस नहीं, लेकिन गांव उसको क्या कहता, वैल्यू की निगाह से होता है ना भाई। कोई ऐसा गांव उठाइए, आप गांव को अगर रहन सहन में देखिएगा तो हर एक गांव में कुछ लोगों को आदमी कहता, ये अमीर तबका समझ के उसको कहता कि वैल्यू मंद, कोई मसला फंसे तो उन्हीं के यहाँ जा राय लेता लोग, ऐसा होता है। तो लाल बुझक्कर भी ठीक इसी प्रकार गांव में थे। गांव से गया था एक ठो हाथी, क्या गया था, हाथी। तो आदमी जब हाथी का पैर का छाप गांव में कभी देखा नहीं था तो बड़ा परेशान हुआ, बोला कि राक्षस का पैर, क्या बोला, राक्षस का पैर, बड़ा परेशान। तो आदमी को जब समझ नहीं आई छाप, तो आदमी बोला कि भैया ये गांव में तो इतना कोई बुद्धिमान है नहीं जिससे ये राज पता चले। उसने कहा कि एक शख्स तो है, लाल बुझक्कर उसका नाम था, हमने किताब में पढ़ा, वही किताब का होने, लाल बुझक्कर को जाके कहा गया। लाल बुझक्कर बेचारे एकदम टहलते फिरते आए और वो क्षेत्र जहाँ पे घटना थी वो जगह जाके देखा तो भैया हाथी का छाप था, उनको भी खुद नहीं मालूम कि हाथी था का। अब भैया करता धरता, इसी तो मसला समझाना है आपको कि आपने कभी किसी चीज़ को इल्म हासिल की कोशिश ही ना की, सामने वाले ने जो कह दी उसे मान लिया, भक्ति इसी में ना बर्बादी हुई है, दीन इसी में बर्बाद हुआ क्योंकि आपने ज्ञान हासिल ही नहीं किया। तो लाल बुझक्कर की जो पैर की निशान थी, लाल बुझक्कर सॉरी हाथी की, तो लाल बुझक्कर ने भी तो हाथी का वर्णन जाना ही नहीं, उसने भी खूब चढ़ागा, अरे हाँ ये किसी राक्षस का ही है। आप बताइए बताइए, दो मिनट जाइए। मोटिवेशनल वीडियो के तहत अक्सर लोग के अंदर एक जागरूकता की चाहत होती है कि आखिर हम किसी की शब्द की वजह से हम प्रेरित हो सके। तो प्रेरित की एक बहुत बड़ी व्याख्या है कि इंसान अपने दिल से रिलेटेड कुछ बात समझने की कोशिश करता कि आखिर हम कैसे बेहतर बन सके। जैसे अगर आपको अपने बहुत बड़े विचारधाराओं के विचार है, बहुत प्यारी कथन है कि जिसको समझने की अगर कोशिश की जाए तो लोग अंदर कामयाबी आएगी, एक खुशी शब्द है खुशी, जिसको आम जबान में हम लोग हैप्पी कहते हैं। आम जबान में क्या कहते हैं, हैप्पी। आप सोचिए कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको, अगर दिल को खुश रखना चाहते हैं तो आप एक दिन के लिए खुशी, अगर चाहते एक दिन की खुशी के लिए तो आप एक दिन की खुशी के लिए पिकनिक कीजिए। एक दिन की अगर खुशी चाहते हैं तो पिकनिक के लिए पिकनिक चले जाइए, दोस्तों के सामने घूमिए, गाना सुनिए, तो वो एक दिन की खुशी हुई। अगर आप चाहते हैं कि अब हमें खुशी जो मिले वो खुशी, अगर हम चाहते हैं कि कुछ दिन की खुशी चाहिए तो कुछ दिन की खुशी के लिए, यानी एक हफ्ते की खुशी चाहिए तो आप एक हफ्ते की खुशी के लिए ट्रैवल कीजिए, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए ताकि एक हफ्ते की खुशी मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि हमें एक हफ्ते की खुशी नहीं उससे ज़्यादा की खुशी हो तो आप विवाह कर लीजिए, तो विवाह कीजिएगा तो एक माह से दो माह की खुशी मिलेगी। इस पर बहुत हंसी आई बात सुन के, तो दो माह की खुशी चाहिए तो विवाह हो गई। अगर आप चाहते हैं कि नहीं विवाह तो दो माह की खुशी मिली, अगर आप चाहते हैं कि हमें लंबी खुशी चाहिए तो लंबी खुशी के लिए अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, यानी काम पे ध्यान दीजिए, काम ही प्रिय है, काम की वजह से आपको ताउम्र खुशी मिलेगी। अगर आप अपने काम में लगनशील रहेंगे, मेहनत करेंगे, जागरूकता लाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है लाइफ टाइम आपको क्या मिलेगी, दिल को खुशी मिलेगी। खुशी एक दिन की तलाश हो तो बिखर जाएगी, हफ्ते की तलाश हो फिर बिखर गई,
एक माह की तलाश हो फिर बिखर गई। अगर खुशी दीर्घ दिन चाहिए तो अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार पे ध्यान दीजिए, रोज़ सुबह उठ के जाइए ऐसे हर्षोल्लास से जमाइए ताकि आज आपको धन आए। अगर आप टीचर हैं पढ़ाना चाहते हैं तो बेहतर से पढ़ाइए ताकि सुबह में बच्चे आए उसको बेहतर सिखाया जाए। ठीक इसी प्रकार आप भी अपने जीवन काल को बेहतर बनाने के लिए बेहतर जो खुशी है वो हृदय के अंदर है। अपना काम जिसको आम जबान में लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, काम ही प्रिय है, काम पे दिल लगाइए, दिल लगाने से बेहतर होती है। अगर ऐसे देखा जाए तो जीवन काल बहुत रहस्यमय है, बहुत परेशानी आती है जीवन काल को समझना कि जीवन काल आखिर कैसे सुदृढ़ हो, हमारा बेहतर हो, हमारा कल्याण हो। तो कल्याण न सोचने से होती है न कहने से होती है, वास्तव में कल्याण काम के लिए है। काम अचानक सोचिएगा तो संभव नहीं है। जैसे एक पेड़ जो बीज होता है, बीज को भी हम जमीन में लगाते हैं पहले, तो पहले बीज का भी चयन करते हैं कि बीज उच्च क्वालिटी का है या नहीं। उच्च क्वालिटी के बीज को हम लाते हैं ज़मीन में रखते हैं, ज़मीन में फिर उसकी परवरिश होती है, तो परवरिश होने के बाद खाद देते हैं ताकि उसका जो उर्वरक क्षमता की वजह से पौधा पनपता है। पौधे की भी इस तरह पतवार आसपास में खरपतवार लग जाती है, पौधे को रोकती है, फिर उस खरपतवार को हटा के पौधा क्या होता है, वृद्धि होता है, आगे जाके बढ़ोतरी के लिए हम वर्क करते हैं। तो आप सोचिए कि जीवन काल में हर समय आपका जीवन काल बेहतर तभी हो सकता है जब आप काम पे ध्यान देंगे। तो काम के लिए अभी से इरादा आप प्रयत्न करिए कि मुझे कामयाब बनना है। कामयाब बनने का दो लक्ष्य है कि अगर हम शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, जो क्षेत्र में हम परवरिश कर रहे हैं यानी चल रहे हैं, वर्कआउट हमारी हो रही है, तो हमारा अगर रुचि पढ़ाई से रिलेटेड हट रहा हो तो एटेंडम हम उस क्लास उस यानी वो वर्क को पोस्टपोन कर देंगे और फिर हम दूसरे कार्य की तरफ आकर्षित होंगे ताकि हम उसके अंदर चहलकदमी करें ताकि नए सिरे से फिर हमें कामयाबी मिले। अगर आप सोचिए कि ये एक पृथ्वी है इतनी बड़ी यूनिवर्सल और हमारा केंद्र अगर इसी चीज़ पर हो, इसी चीज़ पर तो केंद्र अगर इस चीज़ पे हो तो हमारे सामने इसके बगल की चीज़ छूट रही है, इसके बगल की चीज़ छूट रही है, इसके बगल की चीज़ छूट रही है, इसके बगल की चीज़ छूट रही है। सिर्फ नेत्र आपका इस लेवल में है, इस लेवल की वजह से आपका निगाह साथ डायरेक्ट यहाँ पर रही है, बगल पे तो जा ही नहीं रहा। अगर बगल पे जाता तो शायद इससे बेहतर तो ये चीज़ हो सकती थी। तो अपग्रेड लोगों को होना होगा, जो चीज़ नहीं मिल रही उसको छोड़ के आगे बढ़ना होगा। तो सबसे बड़ी ये कथन से साबित हुई कि भाई इंसानों के अंदर जो सबसे बड़ी आज के अंदर जिसको आम जबान में कहा जाए कि बहुत बेकार पड़ता है वो लज्जा का पड़ता है। क्या पड़ता है? लज्जा। लोगों के अंदर शर्म बहुत बड़ी चीज़ आ गई कि अगर हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। वास्तव में लोग क्या कहेंगे? लोग कभी आपका हित सोच ही नहीं सकते। अगर हित सोचते तो आप कल्याण करते। बार बार अक्सर लोगों का कहावत भी सुनते हैं, कई सारे विचारधाराओं में भी सुनने को मिलता है कि अमरूद खरीदने वाला अगर अमरूद खरीदता है अच्छे के लिए तो फिर नमक के साथ लगाकर ही खाया जाता है, ये भी एक विचार चली है। तो अक्सर आप देखिए कि कोई लोग आपका हित नहीं सोच सकता, हर लोग आपका क्या सोचेगा? अहित। हित के बारे में जानने के लिए आप अपने हृदय का साथ दें। हृदय के अंदर जो आपकी प्रतिक्रिया शब्द चल रही है उसके अंदर जागरूकता लाइए ताकि ये हृदय कामयाबी का स्रोत है, आपको कामयाब बनाने का रास्ता रिप्रेजेंट करेगा। तो अक्सर आप सोचते हैं कि सर हम कुछ ऐसा काम करें ताकि हमारे घर परिवार सुखद हो। तो अगर आप काम के प्रति लगाव रखेंगे तो बेहतर बनेंगे। एक साधारण सी मिसाल हम देना चाहते हैं, ये लीजिए साधारण सी मिसाल। धन कमाइएगा तो धन खत्म हो जाएगी, बात समझ आ रही है? धन कमाइएगा तो धन वैल्यू बढ़ाइए, वैल्यू देखिए, वैल्यू देखिए।
आज ये शब्द है सिर्फ वैल्यू, जिसने वैल्यू को समझा बाबू महान बना। जैसे मिसाल आपके सामने एकदम जीता जागता रिप्रेजेंट मिसाल दिया जा रहा है। इजी स्तर से देखिए इस रिपार इस चीज़ को हम आपके सामने उड़ाते हैं, वैल्यू का महत्व समझाते हैं। देखिए दिस इज वैल्यू, अगर ये चीज़ समझ आ गई तो महान बनिएगा। मैंने उठाया चाय, क्या उठाया? चाय लोग पीते हैं। अगर ये चाय 5 रुपए की मिलती है नुक्कड़ पे, ये चाय 5 रुपए की कहाँ मिली? नुक्कड़ चौराहों पे जो दुकानदार होता है, यही चाय नुक्कड़ पे मिली 5 रुपए की। अगर इसी चाय को हम किसी रेस्टोरेंट में गए तो ये चाय की कीमत बन गई 50। नुक्कड़ वैल्यू कम देता है, रेस्टोरेंट वैल्यू बढ़ाया। अगर इसी चाय को हम सेकेंड स्टार होटल में गए, कौन से होटल में गए? सेकेंड स्टार होटल में, 5 स्टार से सेकेंड, 2 तल्ले का होटल, तो इस कीमत की वैल्यू हो गई 250। इसी चाय को अगर हम 5 स्टार होटल में पहुंच गए, कहां पहुंच गए? 5 स्टार होटल में, तो इसी चाय की कीमत हो गई 500। चाय वही थी, वैल्यू बढ़ गई तो इसकी कीमत ग्रोथ हो गई। तो इसी चीज़ को समझना है कि चाय अगर नुक्कड़ पे बिकी तो 5, इसकी वैल्यू 5 के समान। यही चाय पोस्ट आगे रेस्टोरेंट बढ़ी तो 50 में, यही चाय रेस्टोरेंट से बाद 2 स्टार होटल में गई तो 250, 5 स्टार होटल में वही चाय 500 में आ गई। ठीक आप इसी प्रकार अगर आपकी दोस्ती नॉर्मल के साथ होगी तो 5 रुपये की चाहत वाले बनेंगे, अगर आपकी दोस्ती उससे अपग्रेड के साथ होगी तो उससे ज़्यादा कमाने वाले बनेंगे, आपकी दोस्ती उससे बड़े के साथ हो गई तो उससे ज़्यादा कमाने वाले। अगर मिलियन करोड़पतियों के साथ दोस्ती होगी तो करोड़पति सोच आएगा ना, तो सोच सोसाइटी को बदलती है, वैल्यू बदलती है। इस वैल्यू ने जैसे जैसे कदम बढ़ाया चाय की कीमत में बढ़ोतरी आ गई। चाय हर जगह चाहे ही है, हर जगह चाय है, लेकिन वैल्यू किस चीज़ को बोला? माले ने वैल्यू बढ़ाई। 5 तल्ला होटल तो कीमत 500, 2 तल्ला होटल 250, 1 तल्ला होटल 50। बात समझ आई या नहीं? नुक्कड़ जहाँ कोई होटल नहीं। ये चाय की वैल्यू समझ आ गई, यानी चाय की कोई महत्व नहीं है, वैल्यू जगह ने केंद्र कर दी। आप अगर जिस सोसाइटी के साथ बैठेंगे उसी की वजह से आप कामयाब बनेंगे। अक्सर दोस्ती कीजिए तो अच्छों के साथ बैठिए तो आकर्षित होंगे। अगर आपकी दोस्ती फकीरों के साथ होगी तो दोस्ती फकीरों की वजह से सोच भी फकीर आएगा। दोस्ती मध्य वर्ग के साथ होगी तो दिमाग भी मध्य वर्ग का घूमेगा। दोस्ती स्टैंडर्डों के साथ होगी तो दिमाग भी स्टैंडर्ड होगा। दोस्ती हाई सोसाइटियों के साथ होगी तो अक्सर हाई सोसाइटी होगी। तो दोस्ती का मतलब वही वैल्यू हो गई। वैल्यू हमेशा अच्छों के साथ रखना है तो आपकी महत्वाकांक्षा बनेगी, समाज में रुतबा बनेगा। रुतबा ऐसे नहीं बनता, वैल्यू ने पहचान दी। चाय की कोई पहचान नहीं थी, जगह ने चाय को वैल्यू दिलाई। चाय नुक्कड़ पे थी तो 5, चाय रेस्टोरेंट में गई तो 50, चाय 2 तल्ला में गई तो 250, चाय 5 स्टार होटल में गई तो 500। यानी जगह की वजह से चाय की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, तो ठीक आपके जीवन काल में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो सकती है? अभी से ये ठान लीजिए कि मुझे ब्रांड बनना है। जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी महत्वाकांक्षा। एक और मिसाल मेरे दिल में जो है बहुत यूनिक मिसाल है, अगर इनको हटाया जाए और इनके बाद एक बात पूछी जाए, आप जनता जनार्दनों का बैच है, आप लोग भी इस चीज़ को हमें बताइए कि अगर भगवान ने जनता यानी भगवान अगर कहता कि मुझसे जो मांगना है मांगो, उस चीज़ को तो समझ आने से पहले मैंने एक कथन कहा कि मेरे घर अगर आप लोगों को आमंत्रण दिया जाए भोज के न्योता का, मैंने आप तमाम जनताओं को कहा कि आप मेरे घर आइएगा, आप लोगों का खाना है, आप लोग खाना खाइएगा। बात समझ आ रही? खाना खाइएगा और अपने फैमिलियों के लिए भी खाना ले जाइएगा। आप तमाम लोग आए मेरे घर खाना खाने,
और आप तमाम लोगों के विद फैमिली दावत है, आप लोग मेरे यहाँ से खाना उस दिन का ले ही के जाइएगा। तो सोचिए कि मैंने आप लोगों को क्या दिया, दावत क्या दिया, खाना आप लोग खाए। तो आप ही बताइए कि आप अपना खाना खा के अपनी फैमिली के लिए जो खाना ले जाएंगे तो आप क्या लाएंगे हमसे खाना ले जाने के लिए। तो टिफ़िन क्या खल का लाइएगा, पता चला कि आप 5 खल का टिफ़िन लाइएगा, आप 4 खल का लाइएगा, आप 3 खल का लाइएगा, आप 2 खल का लाइएगा। तो जितना जिसको शौक होगा वो उस अंदाज से लाया, सबने समझ शर्म के हिसाब से छोटा लाया। अब किसी ने लाया क्या बरका ऐसा देखचा लाया, तो आपने कहा कि सर उसने देखचा लाया, तो भैया मेरे यहाँ रुकावट नहीं ना थी कि आप 5 ही खल का लाइए। मैंने तो बिट फैमिली दावत दी थी ना कि आप बिट फैमिली दावत है, मेरे घर से खाना लेकर जाना है, तो आपने 5 ही खल की ताकत रखी, 5 खल का मांगा, तो 5 ही खल का टिफ़िन भर के दिया जाएगा, 10 खल नहीं ना होगा। आपने 2 खल का लाया तो 2 ही खल ना भर के मिलेगी, आपने 3 खल लाया तो 3 ही खल ना मिलेगी, और आपने देखचा लाया बड़ा ऐसा तो मुझे भर देखचा देना है। तो आप सोच रखेंगे छोटा तो भगवान रिलायंस के इतना धनी कैसे बनाएगा। धनी बनने के लिए सोच भी तो बड़ा बनाना होगा, जितना बड़ा महत्वाकांक्षा होगी उतनी बड़ी ना आपको सीमा बनेगी। आप रखेंगे सोच कि सर मुझे नोकिया आईफोन लेना छोटा नोकिया का टेक्स्ट मैसेज के लिए, तो 1400 का ना मिलेगा। अगर आप सोच रखते कि भाई ये मुझे बड़ा ऐसा मोबाइल रखना है जिसकी कीमत 2 लाख हो, तो सोच 2 लाख की थी तब ना 2 लाख जमा हुई। सोच बड़ी होती तो बड़ा चीज़ मिलता, सोच है छोटी तो मिलेगा बड़ा कैसे। भगवान ने तो रोका ही नहीं, भगवान ने तो सृष्टि बना दिया, कह दिया मुझसे जो मांगना है मांग लो। भगवान ने किसी को रोका, किसी ने पैदा करके किसी का भाग भगवान ने नहीं बनाया, खुद कहा कर्म करो भाग बनाओ, कर्म भाग बना देता है, कर्म भाग बनाता है, भाग तो बना के कोई नहीं आया, माँ के कोख से तो सब वही पैदा होता है, जैसे हम पैदा हुए वैसे सब पैदा हुआ। भाग और कर्म खुद बनाता है लोग, कर्म खुद बनाइए, बड़ा सोच रखिए। तो बड़ा सोच रखेंगे तो बड़ा, अब हम शर्म करते कि भाई सर ने दावत दी है मैं देखचा लेके जा रहा हूँ, सर ने तो मना भी नहीं किया था कि देखचा लेके नहीं आना है, सर ने मना किया था, दावत थी तुम्हें सब लाना है, काम भगवान ने मना किया था कि तुम कवारी का काम मत करो, तुम्हें मना किया था भगवान ने कि तुम कपड़ा मत बेचो रोड पर, तुम्हें भगवान ने मना किया था तुम बर्तन मत बेचो, भगवान ने तो कहा सब काम कर सकते हो, हर काम में ईमानदारी होनी चाहिए, हर काम में ईमानदारी होनी चाहिए और हर काम में सच होना चाहिए। जिस काम में सच है वही भगवान का वास है, और जिस काम में धोखा है गद्दारी है वो काम सब बेकार है, न धोखा देंगे न गद्दारी होगी, सच बोलेंगे कामयाब बनेंगे। बात समझ आई या नहीं आई, सच में भक्ति मिली या नहीं मिली। भगवान ने कभी रोका था कि आप मुझसे मांगिए और मैं ना दूँ, भगवान ने कहा आप मांगिए दावत दे दीजिए, अगर मैंने दावत दी तुम लाते बरका ऐसा नाद मैं खाना ना देता, तुम एक्शन ले सकते थे, ले सकते थे ना। सर आपने तो दावत देने का वादा किया था, आपने कहा था बिट फैमिली दावत है, अब बताइए कि मेरी ज़रूरत इतनी है और आप मेरे खाना ना देंगे तो फिर मेरे दावत देने का मतलब हुआ कि तौहीन हो गई मेरी, तो दावत को अंदर फिर लालचन लग गई। भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान ने कभी किसी को नहीं रोका, तुम मुझसे मांगो मैं ना दूँ, देने के लिए उसने तो इतना दिया दुनिया में कि और अंत नहीं है। इससे साबित हो गई कि आप लोग भी कर्म कीजिए और मांगिए, इतना मांगिए जो ज़रूरत को करती रही। दूसरी बात अगर समझाई जाए एक और ज़बान में, दूसरी ज़बानों में अगर समझाई जाए, दूसरी ज़बान में अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से आगे खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कितना बड़ा कहा अल्लामा इकबाल ने, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से आगे खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बात कर रहा बंदे से, रजा पूछ रहा,
ये तो बहुत बड़ी मतलब और मीनिंग का अर्थ है, मुझे उस लय में नहीं जाना है ताकि आप लोगों का लय इधर से उधर हो जाए। इससे साबित हो गया कि भगवान भी अपने भक्तों से बात करता है, भगवान भी अपने भक्तों से बात करता है, बस अर्थ करता है कर्म से। इसी चीज़ को कर्म के रूप में मैंने कहा कि भगवान ने मुझे दो हाथ दी, दो कान दिया, तो दो आँख दी तो दो आँख में एक अच्छी चीज़ को देखने के लिए दी तो एक बुरी चीज़ को भी देखने के लिए दी ना। कान दो दिया, एक कान अच्छी चीज़ के लिए दिया सुनने के लिए तो एक बुरी चीज़ भी। फिर आपने देखा नाक दो दी, एक अच्छी चीज़ सूंघने के लिए एक दुर्गंध सूंघने के लिए। कान दो दी अच्छी बुरी, आँख दो दी, नाक दो दी सुगंध के लिए, समझिए। लेकिन जबान एक दी, जबान एक दी, यानी सबसे कोई खतरनाक कोई चीज़ है वो जबान है। तो जबान की हिफाजत की गई है, जबान की हिफाजत की गई है, क्योंकि जबान की वजह से या तो आप किसी को ठेस पहुंचा देते हैं, या तो जबान की वजह से आप किसी का सम्मान पा लेते हैं। सम्मान पाना, सम्मान बिगाड़ना, ये जबान है। इसलिए कहा कि सब चीज़ों में ख़तरनाक चीज़ कोई है तो वो जबान है, इसकी हिफाजत हो। बहरहाल आगे हम चलते हैं, क्योंकि तालिबे इल्म के नाते से मैं आपके अंदर भी वो इल्म जागरूकता लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके अंदर कुछ कामयाबी का स्रोत आए, वो जागरूकता आए, वो ताकत आए, ताकि आप कामयाबी के स्रोत में जा पाइए। विद्या अगर हासिल सिर्फ करना होता तो सिर्फ आप वही हो जाते लिटिल नॉलेज वाले। क्या विद्या हासिल करने से क्या फ़ायदा है? आखिर हर हालत में जैसे आपने विद्या हासिल किया आप एक बेहतर इंसान बन गए। पढ़ के आपने नेत्रों का हिफाजत करना नहीं सीखा। अगर आप एक नौकरी पेशेवर है, आप नौकरी पे जाते हैं, आपके पास विद्या के हिसाब से तो नौकरी मिल गई, लेकिन आपने अपने आँखों को संतुष्ट नहीं सीखा, अपने आँखों को ढंग से नहीं देखा, तो आपको नौकरी से निकाला जाता इसी आँख की वजह से, क्योंकि इस आँख से नेत्र को बुझा रहा कि आपका नेत्र कैसा है, गलत तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी ऑफिस में काम कर, सपोज दैट आपकी नौकरी बैंक में हो गई, बैंक में हर प्रकार की महिला आती है, अगर महिला पे आपका निगाह गलत हो तो भैया इस नेत्र की वजह से नौकरी जा रही है। विद्या से नौकरी मिली, नेत्र ने विद्या की वजह से नौकरी छीन रहा है। आपको नौकरी किससे मिली? ज्ञान की वजह से मिली, लेकिन बोलने नहीं आता, किसी को हर समय मार करते गाली बकते इसी जबान की वजह से, तो जबान की वजह से नौकरी जा रही है। सिर्फ पढ़ने से नौकरी आई, आँख की वजह से नौकरी गई, जबान की वजह से नौकरी गई, इस हाथ की वजह से नौकरी जा रही, क्योंकि घुसखोरी इस हाथ की वजह से हो रही। तो विद्या हासिल करने के साथ साथ आपको बेहतर मार्गदर्शन भी तो क्लास टीचर का ही दायित्व बनता है ना, परफेक्ट बनाए, क्लास में बैच में बैठाए और आपको तरबियत दे, क्योंकि तरबियत निखारने की चीज़ है, समझाने की चीज़ है। क्योंकि परवरिश होकर ना कोई महान बना है ना महान बनेगा, उसे निखारने के लिए परवरिश का होना ज़रूरी है। तो परवरिश कहाँ मिलेगी? क्लास टीचर के क्लास में मिलेगी, मेरे बैच में मिलेगी, मेरे शरण में मिलेगी, मेरी संस्था में आप बैठिए, बेहतर से देखिए सवाल, और आपको समझने के लिए आपके अंदर बैच में भी बच्चियाँ बैठती है, उनसे भी अदब व एहतराम से पेश आना सीखिएगा, क्योंकि घर में भी माँ बहन है। तो जब आप क्लास में बैठिएगा, क्लास के वातावरण को समझिएगा, इंसान की इंसानियत समझिएगा, यही चीज़ आपको सर्विस में काम आएगी, नौकरी में काम आएगी। जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा विद्या हासिल करके, तो मान के चलिए आपके ऑफिस में कोई महिला आई, तो आपने अपने क्लास में अपनी जो क्लास साथी है उससे अदब से बात करना सीखा, उनसे अच्छी वार्तालाप सीखा, यही चीज़ आपके ऑफिस में काम आएगी ना। बैंक के कर्मी बन जाइएगा तो बोलने आएगा, आइए मैडम बैठिए, बात करने का जबान का सलीका क्लास से मिली, ये चीज़ वहाँ काम आई। आँख देखना क्लास में, बच्चियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, आँख का हिफाजत करना, ये चीज़ आपको वहाँ भी काम आई। तो विद्या भी सीखना हो और चरित्र भी सीखना हो, विद्या आई और चरित्र ना आई तो बेकार हो जाएगी ना। चरित्र का भी हिफाजत करना सिखाना एक टीचर का ही दायित्व है। पढ़ा देना बड़ा चीज़ अगर होता तो हर लोग कामयाब बनता। रावण विद्वान बना, लेकिन अपहरण करने की वजह से एक दाग लग गई ना। तो आप
विद्या हासिल करेंगे साथ साथ चरित्र भी हासिल करेंगे। तो विद्या और चरित्र दोनों हासिल कहाँ होगी, तो गुरुकुल में होती है, जहाँ आपको जीवन यापन करने की भी विधि बताई जा रही, ताकि जीवन कैसे जीना है, आपको आने वाला समय भी बताया जा रहा है कि ताकि हमें अपडेट रहना है, क्योंकि ज़माना कंपटीशन का है और कंपटीशन में वही बेहतर हासिल कर सकता है जो प्लेटफॉर्म पर चलता हो। प्लेटफॉर्म पे चलाने के लिए एक दिन अगर होता तो हम चलते। ये सर्कल है, ये एक बिंदु है जो 360 डिग्री का कोण बनाती है, पढ़े होंगे मैथ में। अगर ये सर्कल अगर ऐसे घूमी, अगर दोबारा ये घूम के फिर इसी सर्कल पे आती, जैसे ये बिंदु देख रहे हैं, ये यहाँ से प्रारंभ हुई, फिर इसी बिंदु पे ऐसे आके यहाँ ऐसे ऊपर नहीं, अगर यहाँ होगी तो यहाँ बिंदु होगी, ये बिंदु अगर यहाँ है, ये बिंदु पूरा सर्कल गोल बना दी, समझ आई या नहीं आई। अगर बीच में बिंदु रुक जाती तो लय खराब हो जाती। तो जीवन चक्र आपका यही ऐसे चल रहा है, इस चक्र को समझना होगा। अगर चक्र के बीच में आप रुक जाते हैं तो लय खराब हो जाएगी। पढ़ना नहीं है, शब्द और व्याख्या को सब ईजी स्तर से समझना है, ताकि कामयाबी आ सके। बात समझ आ रही है? कामयाबी लाने का दो लक्ष्य है, दिमाग को सुकून देना है, दुनिया का नहीं देखना है। अगर आप दुनिया का मुकाबला करिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। देखिए, हर की चमक अपनी है। भगवान ने हाथ से समझाने की कोशिश की, इस हाथ में अगर ये पांच उंगली तो सबका काम अपना है। अगर इनका नाम अंगूठा पड़ा, इनका नाम अलग पड़ा, इनका नाम अलग पड़ा, इनका नाम अलग पड़ा, इनका नाम अलग पड़ा, जब अंगूठे की ज़रूरत होती तो अंगूठा ही ना आता है, और जब इसकी ज़रूरत पड़ती तो ये आता है, जब इसकी ज़रूरत पड़ती तो ये आता है। ज़रूरत पड़ने पर सबका यूज़ है या नहीं है? तो संसार में कोई चीज़ ख़राब हुआ, अगर आप पढ़ के टीचर बन गए तो वो भी एक कला है, अगर वो ना हो तो महान कोई बना नहीं सकता। अगर आप पढ़ के क्लर्क बन गए तो क्लर्क भी एक फ़ायदेमंद है, जो पढ़ के आपको कामयाबी मिली। क्लर्क के बाद आप कुछ कोई भी वर्क करते हैं जिससे समाज हित में फ़ायदा हो, वो सब काम बेहतर है। और जब सब काम बेहतर हो तो स्वाभाविक सी बात है कि हर एक काम में ईमानदारी का होना ज़रूरी है। किस चीज़ का होना ज़रूरी है? ईमानदारी का। और दूसरी बात यह है कि हर एक परेशानी का सबसे बड़ा राज है झूठ बोलना, और हर एक सच के साथ चलने से क्या होगा? कामयाबी मिलेगी। अब तो क्या सीखे, कामयाबी बनने के लिए क्या बोलना होगा? सच। क्या बोलना होगा? सच। सच बोलेंगे तो हर परेशानी से बचेंगे। इस चीज़ को ये स्तर से देखना है।